हाँ, इट्स ऑलरेडी क्वेश्चनेबल जब लोग एक छोटे बच्चे को घर के कामों के लिए रखते हैं, फिर ऊपर से मारपीट और तशद्दुद, इसमें बच्चे का क्या भला है? गुलनाज, आपने काफ़ी छोटी उम्र में काम करना शुरू कर दिया था ना, तो ऐसा क्या हुआ था, क्या ज़रूरियात थी घर में? हम जब पंजाब से आए तो हमें ज़रूरत थी, क्योंकि अब्बा अकेले थे, उनको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत थी। बड़ी सिस्टर मेरी जॉब करती थी, वो भी डे नाइट करती थी, तो मुझे अब्बा ने कहा कि तुम्हें भी जॉब करनी होगी। तो आपने क्या जॉब्स की? मैं डे नाइट बेबी सिटिंग का काम करती थी, पूरे घर का काम किया मैंने। और क्या उम्र थी उस वक्त? 12 साल की एज में। और जिनके घर आप काम कर रही थी, तो उन्होंने कभी आपसे ये नहीं देखा कि आप इतनी छोटी सी थी? उन्होंने बिल्कुल भी नहीं, आप अगर आप पीछे जाएंगे, इतने साल पीछे जाएंगे, तो उस ज़माने में तो लोग बिल्कुल नहीं सोचते थे, छोटी छोटी एज की लड़कियों को रखते थे। और कैसा रवैया था उनका आपके साथ? बहुत बुरा था, बहुत ज़्यादा। उस ज़माने में जुल्म करते थे, खाने को ढंग से नहीं देते थे, आप किसी के जूठे गिलास में नौकरों का गिलास लग रखते थे, हम पानी नहीं पी सकते थे, 15 दिन बाद में छुट्टी आती थी, और दिल नहीं चाहता। आप डे नाइट थी उनके पास? डे नाइट थी। और 15 दिन में आपको एक छुट्टी मिलती थी? 15 दिन बाद घर आती थी, और घर जब आते थे, छोटी एज थी तो दिल नहीं चाहता था जाने को, तो अम्मी मारती थी। अम्मी कहती थी नहीं जाना तो पड़ेगा बच्चा, तो जाते थे। तो उस वक्त आपकी 400 रुपये सैलरी थी? 400 रुपये डे नाइट, डे नाइट पे। और घर जाने को बहुत दिल चाहा करता था, लेकिन नहीं जा पाते थे 15 दिन बाद। बार टाइम ऐसा होता था कि वो 15 दिन के बाद, महीने बाद भी छुट्टी देते थे, तो जब घर जाते थे तो वापस आने को दिल नहीं चाहता था। इसी तरह अलग अलग बैंगलोर में जॉब करती रही। कभी कोई मारता या पीटता था? हाँ, जब मैं 15 साल की एज में एक दूसरी जगह पे जॉब पे गई, तो वो लड़के थे, वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे, वो सोने नहीं देते थे। सोने नहीं देते थे? नहीं, तो वो सुबह 6 बजे उठा देते थे, और 6 बजे के बाद वो रात तक काम ही करना होता था। उसमें उनके घर की सफाई, बर्तन, कपड़े धोना, सब कुछ करना होता था। जब आपके पास थोड़ा दोपहर का टाइम होता था, तो जो आप कपड़े धोते थे, कहते थे इस्त्री करो, तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करने देते। जब नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, जब आप थक जाते थे, और फिर आपको वो मारते थे, आपको करना पड़ता था। और आप अकेले वहाँ पे काम कर रही थी, और भी थे? मैं थी और एक बच्चा था जो बाहर का काम करते थे। इतना मारते थे कि पूरा खून खून हो जाता था बच्चा, और हम दोनों बैठे हुए रोते थे। वो फिर चोरी भाग गया, जब वो भाग गया तो फिर मैं गाड़ियाँ साफ करती थी, बाहर की सफाई करती थी, तो मैंने सब कुछ किया। ऐसा कोई काम नहीं कि जिसके लिए मैं कहूँ कि मैंने नहीं किया। मेरे अम्मी अब्बू मुझ पर यकीन नहीं करते थे। आप उनको बताती थी? हाँ, मैं उनको बताती थी, तो अब्बू जब भी आया करते थे सैलरी लेने, तो मैं कहती थी अम्मी को कि ये मारते, तो तब तक जख्म ठीक हो जाते थे, यकीन नहीं करते थे। अब्बू ये सोचते होंगे ना कि इसको काम नहीं करना, काम नहीं करना। और अब्बू को ज़रूरत भी थी, क्योंकि भाई मेरे बहुत छोटे हैं, हम बहनें बड़ी थी, और बैकग्राउंड पे हमने कर्जा देना था पंजाब साइड पे। अब्बू को बोला कि अब्बू मैं वहाँ नहीं काम करना चाहती, तो अब्बू ने कहा कि नहीं तुम झूठ बोलती हो। अम्मी ने कहा झूठ बोलती हो। घर आया तो अब्बू ने मुझे पाइप से मारा, खूब खूब। अब्बू ने भी मारा? हाँ, अब्बू ने मारा कि तुम काम पर नहीं जाना चाहती। बड़ी बहन को गुस्सा चढ़ा, अब्बू ने, बड़ी बहन ने कहा कि मैं भी नहीं करूँगी अगर आप इस तरह करोगे तो। कोई बात नहीं, बड़ी बहन को भी मारा, दोनों को काम पे छोड़ के आ गए। जब वापस गए तो छुट्टी आने को दिल था, तो छुट्टी नहीं मिल रही थी, उन्हें महीना छुट्टी नहीं दी, तो गुस्सा उनको चढ़ा, उन्हें मारा। जब मारा तो मेरे पूरे ज़ख्म हो रहे थे, फेस पे, बॉडी पे। जुमे का दिन था, मुझे आज भी वो वक्त भूलता नहीं है। मैंने कहा कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, सब सो गए, और वॉशरूम के बहाने में वहाँ से पीछे पीछे पीछे, मुझे रास्ते नहीं पता था, ये नर्सरी पे का सीन है, चलती 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 मैं यहाँ तक आ गई। बस वाले से पूछा कि नीलम कलोनी गाड़ी कौन सी जाएगी, तो बच्चा एक ने बताया कि इस गाड़ी में बैठ जाए, अपने घर का स्टॉप पता था। घर गई तो अम्मी ने देखा, तब अम्मी अब्बू को यकीन आया। फिर उसके बाद तकरीबन महीना मैं घर रही, अब्बा ने कहा कि काम तो बच्चा करना पड़ेगा। फिर अम्मी ने कहा कि बच्ची पढ़ना चाहती है, तो थोड़ा सा उसको अब सेटल हो रहे हो, तो थोड़ा, अब्बा ने कहा नहीं ज़रूरत है अभी।
फिर मैं डे पे चली गई. मुझे लगा कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है. फिर मैं दिन की जॉब करती थी, अब्बा को नहीं बताती थी. अच्छा. तो मैंने उन बाजी से कांटेक्ट किया कि मैं रात को आपके घर सोने के लिए आ जाऊँगी. ठीक है. उतने का अच्छा ठीक है. मैं वहाँ से 5 बजे निकलती थी तो मैंने पॉलर का काम सीखा अब्बा से, चोरी. थोड़ा थोड़ा दो दो घंटे जाग कर, जी मुझे काम करना है, दोस्ती थी, सफाई का काम करना, साथ कुछ ना कुछ काम सीख लेना. फिर मैंने वहाँ की जॉब भी छोड़ दी, अब्बा को पता चल गया. जब अब्बा को पता चला तो अब्बा ने बोला घर आ जाओ, घर से जाओ. मेरे अब्बा थोड़े फिर अच्छे हो गए. मेरे अब्बा बहुत स्वीट अब्बा हैं, ऐसा नहीं कि जुल्म करने, लेकिन उनके हालात ऐसे थे कि उनको अपनी बेटियों से काम करवाना पड़ा. बहुत सारी जगह के धक्के खाए मैंने, लेकिन मेरा ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो दुख वाला वक्त निकले ना, मेरे ये मार वाली जॉब का निकला. जो आपका पूरा बचपन था. पूरा बचपन था. आप अब क्या कर रही हैं? मेरी शादी हो गई. अच्छा. मेरी शादी हुई तो मेरा बेबी ये था, बेटा है मेरा, तो मैं अपने मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बनती थी, मैं सेपरेट हो गई. अच्छा. जब आपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई तो फिर आपको मज़ीद फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी बेटे को बड़े करने की. तब से ही बेबी जब पैदा होने वाला तब भी जॉब की, अम्मा अब्बा को सपोर्ट किया, खुद के लिए किया. सेपरेट हुई तो फिर अम्मा लोग की जितनी प्रॉब्लम थी मेरे सर पे गिर गई. अब आपको वापस उसी घर को सपोर्ट करना पड़ा. वापस उसी घर को, वही ज़िंदगी के फिर से धक्के स्टार्ट हो गए. अब्बा मेरे बहुत सीरियस बीमार, उनको टीवी हो गई और आखिरी स्टेज पे थे. इतना बुरा वक्त था कि सुबह खाना खाते थे और रात का अता पता नहीं था. भाई के पास जॉब नहीं थी, अब्बा के पास कुछ नहीं कर सकते थे, अब्बा का ट्रीटमेंट करवाना था. तो इसी तरह लड़ते 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 मैं यहाँ तक पहुँची. मैं ये जॉब में पहुँची. जब मैं ये जॉब में पहुँची तो मुझे ऑफर हुई कि तुमने सुबह काम करना, यहाँ करना है और फिर ऑफिस जाना है. मैं नाम नहीं लूँगी उनका. मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा आपको पता है मैंने खाना बहुत अच्छा पकाती हूँ. अच्छा. मैंने कहा मैं कोरियन शेफ हूँ, मैंने पोला का काम सीखा है, डेकोरेट का काम सीखा है, पर मैं अपने हुनर को मुझे कोई ऐसा मिला नहीं कि मुझे आगे को कोई बढ़ा सके. उसके ऑफिस में कोई किचन नहीं था. ओके. उन्होंने मेरे लिए स्पेशल किचन बनाया, छत पे किचन बनाया, चलो गुलनाज खाना पकाएगी. मैं 12 बजे पहुँचना, 1 बजे मैंने सामान कलेक्ट करना, सबको सामान लेकर आना. तो इन्होंने मुझे बॉस ने कहा ना 1 बजे तुम पहुँची हो गुलनाज, कैसे खाना बनाऊँ मैं? आप क्यों परेशान, मैं आपको 2 बजे खाना देती हूँ. तो पूरे 2 बजे राइट मैंने टेबल पर खाना लगा देना, आ जाओ खाना खा लो. सबने देखना कितनी जल्दी कैसे हो सकता है. इनके दोस्तों ने आना, मैंने अलग अलग डिशेस बनाना शुरू कर दी, तेरी चीज़ें हैं. तो इनके दोस्तों ने आना तो उन्होंने कहना कि आप वक्त ज़ाया कर, एक रेस्टोरेंट खोलो. तो करते 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 जब ये रेस्टोरेंट तक मैं पहुंची ना, आप यकीन करो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने रेस्टोरेंट में लाइफ मेरी आगे की है. मैं मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा है, मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ ना, दूसरी प्रॉब्लम मेरे घर में तैयार होती है मेरे लिए. अभी तक ऐसा, मतलब मैं 10 साल से ये सोचती हूँ कि मैं रेडी हो गई हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ. मैं अपने घर वालों को अभी तक लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा घर क्या. अभी तक आज भी मेरे अब्बा कुछ काम नहीं करते हैं, कर नहीं सकते. मैं बहुत सारी ख्वाहिशें अपने बच्चों के लिए मार के अपने पेरेंट्स को पूरा करती हूँ. आज मैं अच्छी जॉब में हूँ, बेटा बड़ा हो गया है, एक बेटी दो किए मैंने. लोग कहते हैं मुझे कि मैंने एक प्रॉब्लम हो अपने लिए तैयार की, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है. उसके आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं मुझे. आज मैं बहुत अच्छी जॉब पे हूँ, बहुत बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में स्टडी दे रही हूँ. बेटी मेरी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है. बेटा मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है. घर मेरा, एक ज़माने में एक कमरे में हम बहुत सारे लोग सोते थे, आज मेरा घर बहुत अच्छा है. मेरे बच्चे बहुत अच्छे घर में रहते हैं. मैं अपने माँ बाप को भी सपोर्ट करती हूँ. अब्बा मेरे काम नहीं करते, गरीब हैं. आज भी अम्मी का घर मैंने बहुत सेटल करने का कोशिश किया कि वो थोड़ा ग्रोथ करें, लेकिन उनके बेटे जो उनको साथ नहीं देते.
अभी तक आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी क्या रही है? मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी मेरी ये जॉब है। अब मैं ईस्टर्न में जॉब करती हूँ, मैं ईस्टर्न की हेड शेफ़ हूँ और ईस्टर्न का मेन्यू बनाती हूँ और पूरी जिम्मेदारी मुझ पर होती है और मेरी ये सबसे बेस्ट जॉब है। हेड शेफ़ बहुत अच्छी पोस्ट होती है। हाँ, तो मेरे बच्चे अपने स्कूल में बहुत खुश होते हैं कि हमारे मम्मा, जो कोई भी अगर उनसे पूछता है तो कहते हैं कि क्या करती है आपकी मम्मा। मैं वैसे बेसिकली सिंगल मदर हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा जो है, हमारी मम्मा से बेस्ट कोई नहीं है।